वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के 8 बजे और आज है नवरात्रि। तो आज हमारे घर पे पूजा हो रही है, देख सकते हो आप ही। और आज नवरात्रि है तो आज से लेके 9 दिन तक मम्मी का उपवास चलता रहेगा, एक टाइम ही खाएगा 9 दिन तक। और पप्पा का भी आज, पप्पा का एक ही दिन है पर मम्मी का 9 दिन तक उपवास चलेगा। तो अभी अभी उठाओ और शायद इस टाइम हम लोग खेलने नहीं जा सकते नवरात्रि में डांडिया गरबा, क्योंकि कोरोना है शायद, इसलिए। नहीं तो हर साल हम लोग जाते हैं, इस टाइम शायद नहीं जा पाएंगे। मेरा नाश्ता तो हो चुका है और पप्पा अभी बोल रहे कि मुहूर्त 11 बजे। तो अभी ये सब ऐसे ही पड़ा रहेगा, नाश्ता विसर्जन को करना ही नहीं। अरे हाँ, आपका भी तो उपवास है यार, सब पसारा रहेगा अभी 11 बजे तक। अभी मैं सो के उठ गया हूँ और आज नवरात्रि है तो हमारे घर पे मम्मी और पापा का उपवास है। आज बहुत जल्दी उठ गया हूँ मैं, बस 9 ही बजे। अभी पापा आरती करने वाले और भजन भी लगा दिया हमने, आरती करने का टाइम हो गया है। ऐसा साफ करेगी ये सब, चलो साफ सफाई में पूरा खराब हो गया, इससे अपन कुछ भी कर सकते। अपन नाचो, भांगड़ा करो, भांगड़ा। दरवाजे पे भी लगा दिया टीका वो सब, और बाहर भी एक गणपति थे उधर भी लगा दिया टीका। बस अभी पूजा बाकी है तो पूजा करेंगे। पूजा तो हो चुकी है फाइनली, और सुबह से मेरे को इतनी सर्दी हो चुकी है, पूरे दिन छींक ही छींक। अभी नहीं आ रही पर मेरा नाक पूरा लाल हो चुका है शायद। देखा, अभी मैं बस ऐसे पढ़ाई कर ही रहा हूँ, पर देखो यहाँ पे लिखना है, मेरे को ऐसे करने लिखना पड़ेगा। हाँ, तो नाक से सर्दी के समय नाक से सब नीचे उतर रहे, तो ऐसे करूँगा सब नीचे नीचे उतर रहे, इसलिए लिख भी नहीं पा रहा हूँ। ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे करना पड़ रहा है बार बार, इसलिए लिखने को भी नहीं हो रहा है। क्या और ये भी क्लास कर दे जान मुझ के, जब भी मैं क्लास कर रहा हूँ तभी जिसको मेरे को बोलना है कि मेरे को पंखा फास्ट चाहिए, तू निकल बाहर। ये क्या बात हुई, जब भी मैं अंदर आता हूँ तभी पता है मेरे को सर्दी है, तो ये मैं जाने वाला हूँ बाहर। करूँ तो करूँ क्या, सर्दी की वजह से हालत बहुत खराब होती है मेरा। अभी दोपहर के 3 हो रहे और मैं ऐसे ही मैं घर में ही था कब से, और सर्दी से हालत खराब हो गई थी, तो सोचा थोड़ी देर बाहर फ्रेश होने को आता हूँ, शायद थोड़ा खेलकूद से सर्दी चली जाए। चलो साइकिल कंटेंट के लिए भाग गए। मैं और अंकित ही अंकित की साइकिल ही चलाते, क्योंकि वो दोनों मेरी साइकिल चलाते, क्योंकि वो छोटी है और उन दोनों को ये बड़ी साइकिल चलानी नहीं आती, इसलिए। चल खड्डे में लेके गया ना, पहले से मैं पीछे बैठा हूँ, खड्डे में लगेगा मैं सीधा उड़ जाएगा। ए रुक 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 रुक, टन ले अपने घर के पास कुछ जला रहे, अपने घर के पास कुछ जला रहे, ये लोग पाइप जला रहे, देखो वो जाड़ा पाइप जला रहे, वो लोग उधर चला रहे और हम लोग यहाँ पे पार्किंग कैसे राउंड मार रहे, और हमको बहुत मजा आ रहा है, तो उनका टाइम पास कर रहे, हम भी हमारा टाइम पास। हम लोग दोपहर को अभी से साइकिल चलाने लग गए, और कितना हुआ, 3। थोड़ा बजट बढ़ा कर थोड़ा सीट ले ले। नहीं गाइड गाइड सीट निकल गई,
देखो कल पूरा कीचड़ कीचड़ हो गई है साइकिल। नहीं पीछे का तो मस्त है, पीछे का क्या हुआ है वो टूट ही गया है। हम भी मौज ही तो कर रहे हैं। अभी तो कम से कम ठीक से चला दे। मेरे को नहीं चाहिए, हवा मस्त आ रही है आज। अमेज़न का और लंबा ऑफर है, हड्डे में लेके जा रहा है, डाला पिछवाड़े में छेद हो रहे हैं। कल तूने क्या बनाई थी? ओए क्या बनाई थी भगाई कितनी थी कल का? हमें कल क्या हुआ पता है क्या? बारिश आ रही थी, बारिश नहीं 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 हमारे उधर वो हो रहा था ना, तो एक बोरवेल का सारा पानी ऐसा पूरा बी बिल्डिंग में पूरा हो गया था, पूरा भर गया था। तो हम लोग साइकिल चला रहे थे, मैंने अंकित को डबल सीट पीछे लिया। भाई इतना भगाया, इतना भगाया, हम दोनों के पेंट एकदम काले काले। भाई साहब क्या मजा आया था ना पर कल। हाँ पूरा भाई देखो अभी तक थोड़ा थोड़ा पानी है इधर, ये पूरा भर गया था पूरा। देखो ये सब सब पूरा देखो, पूरे यहाँ पे काम चल रहा है ना, इसलिए सारा पानी भर गया था। अभी मैं और जेलिया दोनों फिर से घर पे आ चुके हैं, और अभी हम दोनों पहले थोड़ी देर वो लोग ट्यूशन गए, तो जब तक वो लोग ट्यूशन से आएंगे तब तक हम दोनों हमारी पढ़ाई भी कंप्लीट कर देंगे। तो मैं और जेलिया अभी वही पढ़ाई कर रहे, फिर वो लोग ट्यूशन से आएंगे तो हम भी फिर उनके फिर तबीज खेलने जाएगी। तो अभी फिलहाल मैंने थोड़ी देर ब्रेक लिया है और नाश्ता कर लिया है, और अभी फिलहाल मैं कॉफी पी रहा हूँ। अपना बॉर्नविटा पिएगा अभी तक नहीं गई सारी थी। तो अभी रात के 9 हो रहे और शाम को मैं मम्मी के साथ मेरे लिए हॉस्पिटल चला गया था, मेरे को बहुत सर्दी थी इसलिए देख के दवाई ला दी है। और आज मम्मी और पापा का तो ऊपर से, मम्मी का तो 9 दिन तक है, पापा का तो आज ही, तो आज सिर्फ मेरा हो जाएगा खाना, तो हमने सोचा मैगी खा लेंगे। तो चलो फिर अभी मैगी बनाते। और कोरोना की वजह से किधर भी नवरात्रि नहीं मना सकते, वरना हम लोग अभी जाते थे डांडिया खेलने, वरना पर लॉकडाउन की वजह से अभी नहीं जा सकते। तो मैगी आ चुकी है, आज ये बटर डाल रहा मैगी पे। अरे मैगी के ऊपर बटर कौन डालता है, मैगी के अंदर डालते हैं और मिक्स करना होता है, ये तो सीधा अलग ही ऊपर नहीं बटर डाल रही है, अरे अंदर डालना होता है। तू सा चीटी जितना डाल रहा है, वाह बेटे मौज। मैगी के ऊपर कौन बटर डालता है यार, ये कैसा दिख रहा है देखो, अभी पिघलने को एक घंटा लगेगा। यार खा के दिखा बटर वाला उल्टी करेगा जी यार। मैगी को कभी छेड़ना नहीं चाहिए पता क्या, मैगी जैसी होती है उसको वैसे ही रहना देना चाहिए। नहीं ये ही बराबर है वैसे से तो। ध्रुव अभी बजाने वाला है मैगी की ट्यून, अरे मेरी बारी।